morning, students. Welcome all of you. In our previous lecture, we have learned about what are matters, what we have to study in matters. Okay, matters के different type हमने देखे थे, जो आप यहाँ देख सकते हो. एक बार recall करेंगे हम. Matter is anything which has mass and occupies space. We know. Matter को हमने divide किया pure substance में और mixtures में. अगर pure substance की बात करूँ तो हमने further divide किया था elements में. Elements which is same type of atoms, like hydrogen. गैस आप देखोगे एक ही तरह के आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन के आपको एटम्स मिलेंगे. उसके बाद ऑक्सीजन की अगर बात करें O2 आपको सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के एटम आपको मिल रहे हैं. सिल्वर है गोल्ड है तो ये सब प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल है. उसके बाद आप देखते हो कंपाउंड. व्हेन वी मिक्स टू डिफरेंट टाइप प्योर सब्सटेंस वी गेट कंपाउंड. हियर देखो वाटर का एग्जांपल वाटर एक कंपाउंड है ठीक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसका कॉम्बिनेशन है दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स का. उसके बाद हम चलते हैं मिक्सचर की तरफ. तो देखो मिक्सचर when we mix different pure substances we get a mixture. okay pure substance जैसे आपने silver और gold को mix कर दिया दोनों pure substances के example थे तो उनसे mixture हमें मिला. अब mixture के example अगर आप देखते हो homogeneous mixture और heterogeneous mixture. homogeneous mixture after mixing they have uniform composition. homogeneous mixture नाम ही इनका बता रहा है homo यानी equal. इनको mix करने के बाद आप देखते हो कि इनका जो composition है uniform हो जाता है. you can't identify कि आपने मिक्स किया था. जैसे कि एग्जांपल दे सकते हो वाटर में आप मिक्स करते हो NaCl या वाटर में मिक्स करते हो ग्लूकोज तो एकदम यूनिफॉर्म कंपोजिशन आपको देखने को मिलता है. तो कोई होमोजेनियस के एग्जांपल है. और उसके अलावा हाइड्रोजेनियस मिक्सचर अगर आप देखोगे तो दे डोंट मिक्स यूनिफॉर्मली. यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते. आप मिक्सचर बना लोगे ओके वो आपका मिक्सचर है प्योर सब्सटेंस वो नहीं रहा बट आपके जो मिक्सचर है वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो रहे हैं. जैसे कि आप देखते हो चावल में आप अगर दाल को मिक्स करोगे मिक्सचर आपका बन गया है बट दे आर नॉट मिक्स यूनिफॉर्मली. तो वो एग्जाम्पल है हेट्रोजीनियस के. तो ये तो की बात हमारे मैटर्स की. अब हम बात करने वाले हैं मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में. तो देखो मैटर्स की जो प्रॉपर्टीज है दो तरह की होती है. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर में इसको नहीं देखा था तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. उसके बाद हम आगे चलते हैं. देखो यहाँ हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज की. ठीक है हर एक कंपाउंड की बात करो या हम अपनी ही बात करते हो सबकी अपनी प्रॉपर्टीज होती है. उसी तरह मैटर की भी प्रॉपर्टीज है. तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अगर आप बात करो मैटर की प्रॉपर्टीज की तो दो तरह की प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती है. फिजिकल और सेकेंड होगी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज. क्या डिफरेंस है इनमें. फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि आप यू कैन इजीली ऑब्जर्व फिजिकल प्रॉपर्टी आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो और उसके लिए आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होती है. जैसे कि आपका अपीयरेंस जैसे आपका मैटर कैसा नजर आता है सॉलिड है लिक्विड है वो फिजिकल प्रॉपर्टी है. उसका कलर है उसकी लेंथ है हाइट है तो वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी. और केमिकल प्रॉपर्टीज यानी वो प्रॉपर्टीज जिन्हें देखने के लिए हमें अपने मैटर के केमिकल कंपोजिशन में कुछ ना कुछ चेंज करना होता है. क्लियर हुई तभी हमें पता चलेगा कि केमिकल को किस तरह से रिएक्ट कर रहा है. तो यहाँ पर हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए कैन बी मेजर विदाउट चेंजिंग विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ मैटर. समझ में आई ये चीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज वी कैन मेजर विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ मैटर. अगर कोई मैटर है आपके सामने जैसे चौकी है आपका मैटर है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आप क्या कहोगे. इसकी लेंथ है इसका कलर है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है. आप इनकी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जानने के लिए आपने इसकी कंपोजिशन में किसी तरह का चेंज नहीं किया है. तो यहाँ पर हम इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के. जैसे सबसे पहले तो क्या उसका कलर लेंथ बॉइलिंग पॉइंट जिसे हम बीपी से शो करेंगे बॉइलिंग पॉइंट देखना है. आप मान लो वाटर ही वाटर का बॉइलिंग पॉइंट से बॉइल करके देखोगे कितने टेम्परेचर पर वो बॉइल हो रहा है. मेल्टिंग पॉइंट है और भी हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं. तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिन्हें ऑब्जर्व करने के लिए यू डोंट ट्राई टू चेंज देयर कंपोजिशन. अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप ऑफ फिजिकल सेकंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर केमिकल प्रॉपर्टीज.
measure, then, यानी आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करनी है तो आपको क्या करना होगा कि कंपोजिशन चेंज करना होगा किसका, आपके मैटर का। जैसे सिंपल से एग्जांपल है, आप लिख सकते हो एसिडिटी, इसका एग्जांपल हो गया एसिडिटी। आप लिख सकते हो बेसिसिटी, या फिर आपको देखना है कंबस्ट करके कि कंबस्ट हो रहा है या नहीं, तो ऑब्वियसली कंबस्टन करना होगा। और कंबस्टन होने पर क्या होता है, कोई भी आप कंपाउंड है, कोई भी एलिमेंट है, कंबस्ट करोगे तो ऑब्वियसली उसका जो कंपोजिशन है वो चेंज होने वाला है। तो इसे भी हम लिख सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। इतना क्लियर होता है ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब देखो हमने मैटर की प्रॉपर्टीज देखी, दो तरह की है, हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कौन सी फिजिकल होगी कौन सी केमिकल होगी। अब उसके बाद हमें बात करनी है इन फिजिकल प्रॉपर्टीज या इन केमिकल प्रॉपर्टीज के मेजरमेंट की, कैसे मेजर करोगे, कैसे मेजर करोगे आप इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, इसे नोट डाउन करो, हम आगे चलते हैं। मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज, नया हेडिंग है हमारा मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी है जिन्हें मेजरमेंट करने के लिए, जैसे आप लेंथ ले लो, आपने लेंथ लिया, आप अगर चौक का लेंथ लेते हो तो कितना लेंथ है, मेजरमेंट किया आपने, ठीक है। अब उस मेजरमेंट को एक्सप्रेस कैसे करोगे, तो मेजरमेंट एक्सप्रेस, मेजरमेंट एक्सप्रेस कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, इसका मेजरमेंट एक्सप्रेस बाय नंबर प्लस यूनिट। पता नहीं तो सभी को इसकी यूनिट मान लो सेंटीमीटर में आपने इसको मेजर किया, मान लो इसको आपने मेजर किया मीटर में, कोई भी चीज आप देख सकते हो। तो देखो मेजरमेंट एक्सप्रेस करोगे, मेजर आपने कर लिया, बट मेन चीज एक्सप्रेशन। आप जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो सारी चीजें आपको एक्सप्रेस करके दिखानी होती है। तो मेजरमेंट का एक्सप्रेशन हम करते हैं नंबर प्लस यूनिट से। नंबर आप जानते हो, मान लो 2 सेंटीमीटर हाइट से थी, तो 2 तो नंबर हुआ वहां पर, और जो यूनिट है सेंटीमीटर में, पर यूनिट के लिए हम क्या लिखेंगे, इट इज द स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट। ये क्या है, स्टैंडर्ड है मेजरमेंट का, क्लियर होती है चीज। तो यहां पर हमें अब यही देखना है, मेजरमेंट आप कर लोगे, आपको नए नए इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेंगे, बट सबसे पहली चीज क्या है कि आपको मेजरमेंट एक्सप्रेस कैसे करना है, नंबर से और यूनिट के थ्रू। और नंबर आपको पता है कि यूनिट क्या होगी, आपकी यूनिट इज स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट, मेजरमेंट के लिए कि स्टैंडर्ड है, एक स्केल है मेजरमेंट के लिए। तो ये तो हुआ हमारा मेजरमेंट के एक्सप्रेशन। अब देखो हमें देखना ये है कि यूनिट तो हमें पता चल गया होता क्या है, बट एक्चुअल में यूनिट्स क्या है, क्या सिस्टम था साइंस में अर्लियर टाइम में यूनिट्स क्या होती थी। तो देखो यूनिट्स की एक्सप्रेशन के लिए, मेजरमेंट के यूनिट की एक्सप्रेशन के लिए दो तरह के सिस्टम थे। एक तो था, ये लिख सकते हैं हम सिस्टम फॉर मेजरमेंट, दो तरह के सिस्टम थे मेजरमेंट के लिए। पहला सिस्टम था हमारा मैट्रिक सिस्टम, और दूसरा हमारा सिस्टम था इंग्लिश सिस्टम। अब देखो क्या डिफरेंस है इनके बीच में, कि हम जानेंगे मैट्रिक सिस्टम। सबसे पहली चीज तो ये है कि मैट्रिक सिस्टम मोर फॉलोइंग था, सबसे पहले हम देखेंगे मोर फॉलोड सिस्टम, सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाला सिस्टम था, और डिपेंड ऑन डेसिमल, समझते हो डेसिमल, डिपेंड अपॉन डेसिमल, यानी पॉइंट्स वाले जो मेजरमेंट थे वो किस पे लिए जाते थे। जबकि इंग्लिश सिस्टम का सबसे बड़ा बैकवर्ड क्या था, दैट इज नो स्पेस फॉर डेसिमल्स, नो स्पेस
international system of units. International system of units, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं SI units. SI system, ऐसे system अभी हम देखो जितनी भी measurement करते हैं वो इसी system को लेते हुए करते हैं, अभी यही follow हो रहा है हमारा system. तो सबसे पहले देखो proposed कब किया गया था, 18th century में, I think 1870s में इसे proposed किया गया था. एक general conference हुई थी for weighing measurement in Paris. Thank you.
देखेंगे आगे के मोर लेक्चर में होते क्या है। इसके बाद हमारे लैंथ हो गई, लैंथ के लिए